السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. काबिल कदर साथियों, आज के इस पांचवें दिन के दर्स में दिफाए सुन्नत या अल इंतसारुल सुन्ना, इसमें से कुछ मसाइल की रोशनी में कुछ बातें अहादीस से मुतालिक, ख़ास तौर से अहादीस से मुतालिक, सुन्नत से मुतालिक जो शुबहात लोगों के जहनों में हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मसाला, मसला नंबर वन हम इसको कह लें, मसला नंबर एक, वो ये है कि अभी तक जो हमने सुन्नत का मुकाम, उसका मर्तबा, जो कुछ हमने पढ़ा कल के दर्स में, उससे मुस्तफाद ये है, यानी उसका हासिल ये है कि सुन्नत भी अमल के एतबार से, अहादीस अमल के एतबार से, कबूलियत के एतबार से, इत्तबा के एतबार से कुरान जैसा है। जिस तरह से कुरान के अहकामात पर अमल किया जाएगा, कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम किया है उनको हराम समझा जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है, जिन चीज़ों के करने की तालीम दी है उनको किया जाएगा, और जिन बातों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उससे रुका जाएगा। तो इसीलिए साहिब किताब कहते हैं कि अन्न सुन्नत मिसलुल कुरान करीम, कि याद रखो कि सुन्नत जो है ये कुरान करीम जैसा है अमल के एतबार से। लिहाजा माना यह हुआ कि सुन्नत को दूसरा दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी कोई कहे कि कुरान सबसे आला है और उसके बाद जो है दूसरे दर्जे की सुन्नत है, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। मसलन कोई शख्स कहे कि कुरान की तफसीर कुरान के जरिए से की जाएगी फिर सुन्नत के ज़रिए से की जाएगी, कुरान की तफसीर कुरान के ज़रिए से और फिर कुरान की तफसीर सुन्नत के ज़रिए से, ठीक है। तो ये जो जुमला है, यानी कुरान की तफसीर कुरान से और कुरान की तफसीर फिर सुन्नत से, तो इसमें ये हो गया कि हमने कुरान को एक अलग मर्तबे में रख दिया और अहादीस को एक अलग मर्तबे में रख दिया। तो ऐसा कहना भी सही नहीं है, बल्कि कहा क्या जाएगा कि कुरान की तफसीर कुरान और सुन्नत के जरिए से, कुरान की तफसीर कुरान और सुन्नत के जरिए से होनी चाहिए। यानी कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कुरान दीन समझने का पहला माखज है और हदीस दीन समझने का दूसरा माखज है, या ऐसा कहना सही नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इस्लाम को जानने का, समझने का जो माखज है वो क्या है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, समझ गया ना। तो दोनों को दो मुकाम पे नहीं रखा जाएगा, कुरान और हदीस दोनों एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिहाजा अलग अलग मस्दर अलग अलग माखज ये नहीं है, बल्कि दोनों एक ही माखज है, दोनों जो है एक ही मस्दर है। यानी दीन की ताबीर कहाँ मिलेगी हमको, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में, ठीक है। तो ये था पहला मसाला जो अमूमी तौर से लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह से दूसरा मसला यह है कि जैसे कि कल के दर्स में भी बात आई थी कि बाद लोग ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि कुरान की बाज़ आयतें
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बास फरामीन के दरमियान क्या है, टकराव है, ठीक है। उसमें तारुज बज़ाहिर टकराव दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसको जो है ये जाहिर सी बात है, इसका ताल्लुक जो है ये उसूल हदीस से है। जब कभी ऐसा लगे कि कुरान की कोई आयत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है माना और मफहूम में, या टकरा रहा है, तब ऐसे वक्त में मुहद्दिसीन का या जो जिन्होंने अहादीस के वसूल बनाए अहले इल्म ने, उन्होंने क्या किया है, कुरान और अहादीस में बज़ाहिर जो टकराव नज़र आता है उसके दरमियान तत्बीक की सूरत बयान की, उसका वसूल बयान किया है कि हम जो है दोनों को कैसा एकजा करेंगे। तो तत्बीक के लिए कोशिश करना चाहिए कि दोनों का मानो मफहूम क्या है समझ में आ जाए। हमको समझ में नहीं आता इसलिए हमको क्या टकराव नज़र आता, अपोजिट चीज़ नज़र आती है, हालांकि दोनों क्या है एक ही रहता है, लेकिन चूंकि हमको माना नहीं मालूम है, हम सही तरीके से अल्लाह की मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद क्या है इससे वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमको क्या लग रहा है कि बज़ाहिर दिखता है कि दोनों में क्या है टकराव है, अल्लाह ने कुरान में कुछ कहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में कुछ बयान किया है, ठीक है। तो इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बयान किया है वो सारा का सारा कुरान मजीद का फहम है। वो क्या है सर, कुरान का फहम है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए भेजा गया, तो कुरान को समझाने के लिए भेजा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है वो क्या है, कुरान का फहम है, कुरान की समझ है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बयान किया हुआ है, ठीक है, कुरान का फहम है। जैसे कि मसलन एक बड़ी मारूफ रिवायत और बार बार सुनते रहते हो, क्या है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया व युसीबुहा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه। ये आम तौर से हम सुनते रहते हैं। तर्जुमा क्या है, तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान, यानी गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान कोई भी अमल करे, अमल का जो अंजाम होगा उसका जो नतीजा होगा वो कैसा होगा, वो नीयत के एतबार से होगा। नीयत अच्छी है तो अंजाम अच्छा होगा, नीयत में खराबी है तो अंजाम में भी क्या होगा, खराबी होगी, नतीजा भी खराब होगा उसका, ठीक है। तो कोई भी इंसान चाहे वो अमल दुनिया के लिए करे या दीन के लिए करे, जैसी उसकी नीयत होगी वैसा अल्लाह ताला उसके साथ फैसला करेगा। तो आपने मिसाल दिया, आपने कहा फमन कानत हिजतहु इलल्लाहि व इला रसूलिही फहिजतहु इलल्लाहि कि एक इंसान तरके वतन करता है, अपने वतन को छोड़ता है, छोड़ करके किसी और जगह जाता है, क्यों जाता है, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए। तो क्या हासिल होगा उसको, अल्लाह उसके रसूल की रजा मंदी है, समझिए ना, क्योंकि किस मकसद से उसने छोड़ा, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दिया। तो उसका ये अमल क्या बन जाएगा, उसका ये अमल जो है वो अमल के एतबार से उसको अजर मिलेगा, इसलिए कि उसने नियत ही क्या की है कि अल्लाह उसके रसूल क्या हो जाए, राजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आपने फरमाया वो मन कानत हिजतहु लिदुनिया युसीबुहा अब इमरातिन यनकिहुहा, लेकिन अगर कोई शख्स हिजरत कर रहा है, देखिए एक शख्स उसने भी हिजरत किया, मसलन जैद ने हिजरत किया,
अपना मुल्क छोड़ा, किस लिए? इसलिए कि यहाँ जो है उसको दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल हो रहा था। तो उसका मकसद यह था कि हम किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं, किसी ऐसे जगह चले जाएं जहां अल्लाह की इबादत करना हमारे लिए आसान हो। तो अल्लाह ताला उसके लिए वैसा फैसला करेगा। लेकिन बकर ने क्या किया? बकर ने अपना वतन छोड़ा किस लिए? कि वो जो है यहां से छोड़ करके जब वतन जाएगा तो जो मुसलमान मदद के लिए बैठे हुए हैं वो कहेंगे, अरे एक मोमिन भाई जो है हिजरत करके आ रहा है तो जरा उसकी मदद करो। तो वो उसका मकसूद जो है लोगों की सिंपथी हासिल करना है ना, कि लोग उसके जाने मुतवज्जे हों और उसकी मदद करें ज्यादा से ज्यादा। उसका मकसूद है पैसा, ठीक है। या यहां से जब छोड़ छाड़ करके जाएगा तो हो सकता है कि कोई अच्छी लड़की निकाह में मिल जाए, अब इमरातिन इनके हुआ कि कोई भी, अरे कितना जो है दीनदार आदमी है, अपना वतन घर बार सब कुछ छोड़ करके इस्लाम के लिए आ गए इसने, तो भाई निकाह करना चाहते, इतना नेक आदमी है, कोई भी अपनी बेटी तैयार देने को तैयार होगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक शख्स दोनों तरके वतन कर रहे हैं, अमल दोनों का एक है, दोनों का अमल एक ही है, ये भी तरके वतन है, ये भी तरके वतन है, लेकिन एक का मकसद अल्लाह को राजी करना है और दूसरे का मकसद क्या है? दुनिया हासिल करना है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैही। तो आदमी ने जिन चीजों के लिए हिजरत की है उसको वही चीज हासिल होगी, उसको वही चीज हासिल होगी। तो अब यहां जो है आप देखेंगे तो दो बातें, दो जुमला है, एक तो नियत का तज़किरा है और दूसरे हिजरत का जिक्र है। तो अब कोई कहे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मन से बयान किया हुआ है, अपने दिल से बयान की हुई है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि अभी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मैंने जिक्र किया, इमाम शाफ़ी क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान किया वो दरअसल कुरान की तफसीर है, कुरान का फहम, उससे हट करके आप ने कुछ नहीं बयान। तो ये जो हदीस है ये दो जुमले पर मुश्तमिल है, एक में जिक्र है नियत का। अब नियत का जिक्र कहाँ से आया? कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अब देखिए कुरान में सूरह इसरा आयत नंबर 84 में अल्लाह फरमाते हैं कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलती। ऐ नबी आप लोगों को ये बतला दें कि हर इंसान अपनी नियत के एतबार से अमल करता है। और यहां क्या कहा गया? इन्नमल अमलु बिन्नियात। तो दोनों अलग हुए, कुरान ही की तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हर इंसान, हर कोई अपने नियत के मुताबिक अमल करता है, तो जैसी उसकी नियत होती है वैसा अल्लाह ताला उसके साथ क्या करता है? फैसला करता है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर। उसके बाद कुरान ही में आप देखें सूरह नसा आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं उमय यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फकद वका अजरुहु अलल्लाह। कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल की तरफ अपना वतन छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके निकल पड़े और रास्ते में उनको मौत आ दबोचे, मौत आ जाए, तो अल्लाह फरमाते हैं फकद वका अजरुहु अलल्लाह, तो अल्लाह के यहां उसका अजर साबित हो गया। नबी क्या फरमाते हैं? फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। जो अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के खातिर हिजरत करता है तो वो जो है उसकी नियत कैसी है? अल्लाह उसके रसूल को राजी करना, तो उसको क्या मिलती है? अल्लाह उसके रसूल की रजा। तो जो बातें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई वही अल्लाह के नबी वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया। तो एक तवील हदीस हमको दिखती और कुरान के मुख्तलिफ आयतें हमको उसी से मिलती जुलती मिल जा रही है। तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान किया हुआ है वो कुछ बाहर की चीज़ नहीं है, बल्कि वो कुरान की तफहीम है, कुरान का फहम है, कुरान की समझ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हुआ है। लिहाजा जब कभी हमको तारुज नजर आए, टकराव नजर आए,
तो तारुज है नहीं, हमारे दिमाग में तारुज है, हमको समझ में बात नहीं आ रही है, तो हमारे फहम की गलती है, हमारे समझ की गलती है, ना कि टकराव है उसमें। तो जब ऐसा कभी नजर आए तो अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। जो लोग तत्बीक दे सकते हैं मुराद रसूल और मुराद और अल्लाह की मुराद को, जो लोग समझते हैं वो समझ करके आपको बताएंगे कि हजरत इसमें टकराव नहीं है, आप समझ रहे हैं टकराव है, क्योंकि टकराव हो कैसे सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान किया वो क्या है, कुरान का फहम है, कुरान की समझ है, तो अलग कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका माना यह कतई नहीं है कि अगर कोई चीज हम हदीस में कोई हुक्म मिलता है और कुरान में वो हुक्म मौजूद नहीं है तो आप उसको क्या कर देंगे, नहीं मानेंगे, हैं, उसको रद्द कर देंगे, क्यों, कुरान में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बाद लोग क्या करते हैं, भाई कुरान में जो कुछ है वो बताओ, हदीस में अगर है और कुरान में नहीं है तो हम हदीस नहीं मानते। तो ये कहना कि जो कुछ हदीस में हो कुरान में ना हो वो रद्द कर दी जाएगी, या हम तवक्कुफ अख्तियार करेंगे, ना मानेंगे और ना ही इनकार करेंगे, ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए कि हम ये मान चुके हैं कि सुन्नत कुरान जैसा है, सुन्नत अमल के एतबार से कुरान जैसा है, समझ रहे ना। अब देखिए सुन्नत का जो है मामला ऐसा होता है कि कहीं जो है कुरान में अल्लाह के नबी वसल्लम की कुछ बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो कुरान में कोई चीज़ मुतलक बयान किया गया है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या कर देते हैं, उसको मुकय्यद कर देते हैं। कोई चीज़ मुतलक बयान की गई अल्लाह के नबी वसल्लम ने उसको मुकय्यद कर दिया, कोई चीज़ कुरान में आम बात कही गई है और अहादीस में उसके ज़रिए से उसको ख़ास कर दिया गया। तो ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं, और कभी कभी बाइन ही, जैसे अभी मैंने मिसाल दिया, जो अल्लाह के नबी वसल्लम ने बयान फरमाया वही कुरान के अंदर मौजूद है, कभी ऐसा भी होता है, समझ रहे ना। तो कुरान के, तो अल्लाह के नबी वसल्लम के बाज फरामीन बाइन ही वैसे ही हैं जैसे कि कुरान में है, और कुछ चीज़ें अल्लाह के नबी वसल्लम की कुरान में जो बातें, मतलब कुरान में कहा गया अकीमुस्सला नमाज पढ़ो, अब कुरान में कहीं बताया गया कि नमाज कैसे पढ़नी है, नहीं बताया गया। हाँ, किबले की तायिन कर दी गई कि भाई किबला ये है, लेकिन कितनी रकात पढ़ी जाएगी, कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाएंगी, रुकू कैसे किया जाएगा, जलसा कैसे किया जाएगा, कौमा कैसे किया जाएगा, कुरान में है नहीं है। तो कुरान में ज़कात का हुक्म दे दिया गया, ज़कात देनी है, लेकिन कितने माल में ज़कात देनी है, कौन दे, हर कोई दे, समझ रहे ना, मर्द दे कि औरत दे, कितने माल पे दे, कब दे, साल में एक बार दे कि हर साल दे कि हर महीना दे कि हर दिन अदा करे, कुछ नहीं बताया गया। तो बात चीज़ें कुरान में क्या है, मुजमल बयान हुई मुख्तसर में, और उसकी तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। तो एक हुक्म दे दिया गया अकीमुस्सला नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, तो बाकायदा नमाज से मुताल्लिक इतनी मोटी किताब बन गई, सिफतो सलातुन नबी, सलातुर रसूल, समझ रहे। तो उस एक टुकड़े की तफसीर कितनी बड़ी है, समझ रहे, तहारत से लेकर के और सलाम फेरने तक, फिर मुसाफिर की नमाज कैसी होगी, कसर कैसे होगा, नमाजों को जमा कर सकते हैं कि नहीं जमा कर सकते हैं, जुमा के अहकाम क्या हैं, ईदैन के अहकाम क्या हैं, जनाजे के अहकाम क्या हैं, वो पूरी, ये कौन, कुरान में कहाँ है ये चीज़ है। तो अब कोई कहे भाई कुरान में जो है खाली वो मानेंगे बस, हदीस में नहीं, तो फिर एक वक्त की नमाज पढ़ के, एक रकात पढ़ के बताओ, फिर कुरान के मुताबिक एक रकात पढ़ के बताओ कि भाई कुरान में ऐसी एक रकात पढ़ी जाती, ऐसा अल्लाह ने बयान किया। तो जो चीज कुरान में नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, तो तुमको नहीं मिल रहा है वो चीजें, भाई वो हो सकता है कि बास हुक्म की क्या हो, तफसील हो,
समझ ना, बाद हुक्म की तफसील, जैसे मैंने कहा कि एक जुमला अकीमुस्सलाह या तो ज़कात कह दिया जाएगा, तो ज़कात के पूरे अहकाम मसाइल अल्लाह के नबी वसल्लम ने बयान कर दिए, एक जुमला एक हुक्म उसकी पूरी तफसीर अल्लाह के नबी वसल्लम। तो इसीलिए शुरू में जिक्र किया गया कि नबी का नबी क्या थे, ये कुरान को बयान करने के लिए आए थे, उसकी तफसीर उसकी वजाहत करने के लिए आए थे, समझ रहे ना। तो कभी तो आप सल्लम की अहादीस बाएन ही वही होते हैं जो कुरान में हुआ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने मिसाल दिया, या कभी कभी क्या होता कि एक जुमला बड़े मुख्तसर में कुरान में कह दिया गया और उसकी तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर फरमाई है, और कभी कभी एक आम चीज़ और एक आम बात बयान किया गया और उसको उसकी अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या है ख़ास तौर से बयान, ये किसके बारे में है अल्लाह के नबी वसल्लम ने वादे किए, समझ ना। मसलन कुरान में कहा गया कि वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खर्च करते हुए भी उनका दिल डरते रहता है, हैं डरते रहता है। अब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस आयत को पढ़ने के बाद कहती हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो लोग हैं जो चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, बदकारी करते हैं, वो इसलिए जो है अल्लाह के रास्ते में जब ऐसे लोग खर्च करते हैं तो उनका दिल डरते रहता है कि इतने गुनाह के बावजूद अल्लाह हमारा कबूल करेगा कि नहीं कबूल करेगा। ये किसका फहम है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सुना, कहा कि नहीं 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 तुमने गलत समझे, ये नहीं है, बल्कि इसमें तो मोमिनीन मुराद हैं, वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ा खैरात करते हैं, वो लोग जब अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करते हैं या कोई इबादत करते हैं तो उनका दिल डरते रहता है कि ऐसा ना हो अल्लाह ताला हमारा ये अमल रद्द कर, समझ रहे ना। अब जाहिर सी बात है ये तफसील किसने बयान किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो अच्छा, कभी कभी क्या होता, कभी कभी एक मुस्तकिल हुक्म ही अल्लाह के नबी वसल्लम बयान करते हैं जो कुरान में है ही नहीं, कुरान में है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, अहादीस जो हैं, वो एक मुस्तकिल शरीयत है, एक मुस्तकिल शरीयत है। कभी कभी बाज़ अहकाम एक मुस्तकिल शरीयत है, कुरान में नहीं है लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम ने उसको बयान किया हुआ है। जैसे कि कल के दर्स में आया था पालतू गधे का गोश्त जायज़ है या नाजायज़ है, कुरान में आप ढूंढ के बताओ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया है। ये आप सल्लम के हदीस से पता चलता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बातें क्या हैं, मुस्तकिल शरीयत हैं। लिहाजा कोई ये कहे कि जो बातें कुरान में मिलेंगी वही मानेंगे और जो कुरान में नहीं मिलेंगी उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे और ऐसी अहादीसें रद्द कर दी जाएंगी, मानी नहीं जाएंगी, काबिल हुज्जत काबिल अमल नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं है, समझ गया। इसी तरह से तीसरा मसाला नंबर तीन ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने का अख्तियार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहादात वही के ऊपर मबनी थे। इज्तिहाद का मतलब क्या होता कि किसी मसाले कोई मसाला दरपेश है और वो मसाला ना किताबुल्लाह में मिल रहा है ना सुन्नत रसूल में मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। मसलन आज के दौर का कोई मसाला पैदा हो गया, समझ ना, एक नया मसाला आया, हाँ उससे मिलते जुलते मसाले ज़रूर मिलेंगे आपको, तभी आप फैसला कर सकते हैं। और क़यामत तक जितने भी मसाले पैदा होंगे उसकी नज़ीर और उसकी मिसाल किताब व सुन्नत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर मिलेगी, ये अहले इल्म ही जानते हैं, समझ ना। तो जब कभी कोई मसाला दरपेश आए और कोई वाज़े हुक्म ना कुरान में मिल रहा है ना अहादीस में मिल रहा है तो दीगर मसाइल को देखते हुए अहले इल्म इज्तिहाद करते हैं, हक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, समझ ना, कि मतलब ये चीज़ जायज़ है नाजायज़ है, हक तक पहुंचने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उसी को कहा जाता है इज्तिहाद, समझ ना, इज्तिहाद उस मसले का हल। अब मैं एक इज्तिहाद करूं, आप एक इज्तिहाद करें,
लेकिन हर कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? जो वाकई मुज्तहिद होगा, जो किताब व सुन्नत का गहरा इल्म रखेगा, वही राय देगा और वही फैसला देगा, समझ रहे ना। वो जानेगा, एक इंजीनियर एक डॉक्टर ही बताएगा कि भाई अब ऐसी ऐसी बीमारी है तो क्या करना चाहिए, समझ रहे ना। एक नई बीमारी आ गई तो वो दीगर और बीमारियों को देखते हुए एक फैसला देगा कि इससे बचना कैसे है और इसमें कौन सी दवाई कारगर हो सकती है, समझ रहे ना। तो इसलिए कि एक नई बीमारी है, अभी आई नहीं थी, एक नई बीमारी आ गई है जो उसने पढ़ा ही नहीं था अपनी किताबों में। हाँ, वो सुलो जाबते उसके हैं कि भाई ऐसी ऐसी भी बीमारी हो सकती है और ये नुकसान कर सकता है, तो और ऐसी बीमारियों कई बीमारियों को देख करके फिर वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इस बीमारी से कैसे बचा जाए और इसमें कौन सा इलाज कारगर होगा, एक ऐसा फैसला करते हैं। तो ऐसे अहले इल्म का मसला है, इज्तिहाद करते हैं, ठीक है ना। तो कुरान और सुन्नत को सामने रख करके और कुछ मसाइल को सामने रख करके उससे मिलते जुलते मसाले को देखते हुए उस मसले के ऊपर एक हुक्म लगाया जाता है, इसको कहा जाता है इज्तिहाद। तो इज्तिहाद करने वाले का इज्तिहाद सही है या गलत है कौन बताए? है कोई जरिया जानने का? है नहीं है ना, समझे ना। हमारा इज्तिहाद, हमने जो मेहनत करके एक हुक्म एक चीज पर हुक्म लगाया, आया वो सही है या सही नहीं है कौन बताएगा? जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक इज्तिहाद करने वाला अगर इज्तिहाद करता है, अगर उसकी बात वाकई किताब और सुन्नत के मुताबिक हो गई, सही हो गया, तो उसको दोहरा अजर मिलेगा। कितना मिलेगा? दोहरा अजर मिलेगा, इसलिए कि उसने मेहनत की, कोशिश की और हक तक पहुंच गया। लेकिन अगर कभी 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 उसकी बात यानी किसी चीज को उसने इज्तिहाद करके हराम कह दिया और वो चीज क्या है, हलाल है, तब भी उसको गुनाह नहीं मिलेगा, एक अजर उसको मिलेगा, क्योंकि उसने कोशिश की, ठीक है, उसने कोशिश की। तो आज के दौर में किसका इज्तिहाद सही किसका इज्तिहाद गलत साबित करने का कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए जब हम ये देखें कि कोई ऐसा मसाला है जिसमें अहले इल्म ने इज्तिहाद किया हुआ है, तो आपको जिनके दलायल ज्यादा मजबूत लगे आप उनके साथ चले जाओ, वैसा अमल करो आप। लेकिन दूसरे ने जो इज्तिहाद किया है उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, एतराज नहीं कर सकते, तेरा इज्तिहाद गलत, हमारे इमाम का इज्तिहाद सही, ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए ना। जो इज्तिहादी मसाले हैं, अब जो मसाले वाजे हैं जिस पर दलायल मौजूद हैं, दलायल के अंबार हैं, उस पर नहीं इज्तिहाद होता है कि भाई दलायल एक तरफ रख करके हमारी राय ये है और हमारी सोच ऐसी है, नहीं चलता ये, समझ रहे, ये चीजें नहीं चलती है। तो इसीलिए मुज्तहिद मुज्तहिद को दूसरा मुज्तहिद इज्तिहाद करने वाले के इज्तिहाद को कोई दूसरा रद्द नहीं कर सकता है। हाँ, आप अपना इज्तिहाद कीजिए, आप अपना इज्तिहाद कीजिए, ठीक है, जिसका इज्तिहाद अक्रब इल सवाब आपको लगे आप उसके साथ चले जाइए, लेकिन दूसरे के रद्द करने के लिए दलील चाहिए। तो यहां यह कहा जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इज्तिहादात थे वो वही पर मबनी थे, यानी आपसे इज्तिहाद में गलती नहीं हो सकती, समझे ना। आपसे इज्तिहाद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहादी तौर से भी अगर कोई बात कही हुई है तो वो भी सही हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कुछ खता हुई है, कुछ गलती हुई है, तो गलती ऐसी नहीं हुई कि एक सही और एक गलत, यह हराम था नबी ने हलाल कर दिया या हलाल था नबी ने हराम कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि दो चीजों में से दोनों बेहतर था, लेकिन उनमें से एक चीज ज्यादा बेहतर था और एक कम बेहतर, जायज दोनों थे, जायज दोनों काम थे, लेकिन एक काम करना ज्यादा बेहतर था दूसरे काम के बिलमुकाबिल, ऐसा हुआ नबी के साथ। तो
उलमा के दो गिरोह हैं। एक गिरोह ये कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी इज्तिहादात हैं वो भी वही के ऊपर मबनी हैं, लिहाजा कोई ये ना कह सके कि अल्लाह के नबी वसल्लम के जो इज्तिहादात हैं वो हदीस नहीं है, वो हदीस नहीं है, और हदीस ना कह करके उसको रद्द कर दे, इसलिए कि अल्लाह के नबी वसल्लम के बारे में कुरान ने साफ तौर से कहा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, कि अल्लाह के नबी वसल्लम अपनी राय से कोई बात नहीं कहते थे, जो भी बोलते थे वो वही हुआ करते थे। तो आपके इज्तिहादात भी क्या हुआ करते थे? वही हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए एक बहुत बड़े आलिम हैं, हम्बली आलिम है, गालिबन जो है ये 34वीं सदी के हैं, उनका नाम है अबू हफस अल अकबरी, अकबरी आयन का अब्बार आया। वो कहते हैं कि हर वो तरीका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया है वो मिन जानिबिल्लाह है, वो क्या है? अल्लाह के जानिब से, अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह के नबी वसल्लम का कि उसमें सोच नहीं है। ठीक है, दलील क्या बनाया? दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मरतबा हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं सुनन अबी दाऊद में, सुनन तिर्मिज़ी में और मुसनद अहमद में और इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा जो है मदीना में हम लोग थे और महंगाई बहुत बढ़ गई, समझ रहे, जैसे कि हम आजकल हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो हम अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल वसल्लम महंगाई तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है, तो आप क्यों ना हर चीज़ का एक रेट तय कर दें, आप क्या करें, चीज़ों का रेट तय कर दें कि भाई ये चीज़ इससे ज़्यादा मैं फरोख्त नहीं कर सकते, रेट भाव आप तय कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो इन्नल्लाहा वल मुसअर, रेट तय करने वाला मैं कौन होता, रेट तय करने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह रेट तय करता है, समझ ना, प्राइस अल्लाह तय करता है। कैसे? अगर महंगाई है तो ये भी अल्लाह के जानिब से क्या है? आजमाइश है। कहते हैं अलकाबिजु अलबासितु अर्रज़ाक, अल्लाह ही रोजी को तंग करता है, अल्लाह ही रोजी को कुशादा करता है, हैं कि गवर्नमेंट करती है, कौन करता है? अल्लाह करता है ना। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं भाव तय करने वाला कौन हूं? भाव तो अल्लाह तय करेगा, वो करेगा क्योंकि वो रोजी तंग करता है, कुशादा करता है। फिर आप सल्लम ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूं और अपने रब से मिलूं तो मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई कल कयामत के दिन जानी माली मामलात का मुतालबा हमसे करने आ जाए, हैं कि अब भाई मैं रेट तय कर दूं। मुमकिन है कि एक ताजिर करना पड़े उसमें, लेकिन नबी ने कह दिया भाई इसको इतने ही में बेचना है, अब वो बेचारा 10 रुपये में खरीद के लाए, अल्लाह के नबी वसल्लम ने अपने मन मर्जी से 5 रुपये रेट तय कर दी, तो खरीद के लाया 10 रुपये में, तो उसको बेचना कितने में है? 5 रुपये में, क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम ने उसकी रेट 5 रुपये लगाया हुआ है, समझ गए ना। और या इसी तरह से एक चीज 2 ही रुपये की है, अल्लाह के नबी वसल्लम ने उसका रेट 10 रुपये कर दिया, अब इसमें ताजिर का तो फायदा हो जाएगा लेकिन खरीदने वाले का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, कि 2 की चीज है 3 में बेच भाई, लेकिन नबी ने 10 रुपये तय कर दिया तो 7 रुपये नफा ले रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन जब अल्लाह से मिलूं तो तुम में से कोई जानी माली मुतालबा लेकर के मेरे सामने खड़ा हो कि आपकी वजह से मेरा जो है नुकसान हो गया, मैं नहीं चाहता ऐसा। तो इससे यह पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते थे जो अल्लाह फरमाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। तो एक बात यह पता चली, एक कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इज्तिहादात थे वो वही के ऊपर मबनी थे,
अच्छा, दूसरा कौल कुछ उलमा इस जानिब गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरई उमूर में ना सिर्फ इज्तिहाद करने की इजाज़त थी बल्कि बल्कि आपको अपनी राय के अख्तियार करने का हक भी हासिल था। बात समझ में आई ना, दोनों में फ़र्क समझ में आया। एक गिरोह ये कहता है कि आपकी राय भी क्या है, अल्लाह के आप वही राय देते हैं जो अल्लाह चाहता है, ठीक है। दूसरा यह है कि नहीं, जैसे हमको अख्तियार है कि हम जो चाहें जैसा चाहें फैसला लें किसी मामले में, ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अख्तियार था कि वो किसी भी मामले में अपने राय का इजहार कर सकते थे और जैसा चाहते वैसा फैसला ले सकते थे, ठीक है। ये दो दो बातें हो गई अहले इल्म की। इसलिए कि बाज़ मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एताब नाजिल हुआ, यानी आपको तंबीह की गई कि भाई आपने ऐसा राय क्यों अख्तियार किया, ठीक है। अगर वो अल्लाह के जानिब से होता तो डांटने की क्या ज़रूरत थी, हैं। मसलन मैं आपसे कहूँ कि वहाँ से एक गिलास पानी लेकर के आओ, ठीक है, अब आप लाके यहाँ टेबल पर रख दिए तो मैं डांट सकता काय को पानी लाए, नहीं बोल सकता ना। लेकिन अगर मैंने नहीं कहा और आप अपनी मर्जी से, तो मैं बोल सकता उधर रखो यहाँ मत रखो, बोल सकता ना। तो ये कहते हैं कि अगर आपकी राय मिन जानिबिल्लाह है तो फिर बाद राय के ऊपर आपको डांटा क्यों गया अल्लाह की तरफ से। तो इससे ये पता चलता है कि बाज़ मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय से कोई काम किया और इसी वजह से वो राय चूंकि वही के मुआफिक नहीं थी इसलिए अल्लाह ने आपको डांटा। तो दोनों की बातें समझ में आ गई ना, हाँ, ये चीज़ें। अब इसमें हम तफसील में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इंशाल्लाह बाकी बातें फिर इसके बाद इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि लाल आलमीन हम सबको हक समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।